युवक ने अपने भाई अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की रची थी साजिश। युवक बैकुंठपुर थाना अंतर्गत रौरा गांव का रहने वाला था। पुलिस ने तीन टीमें बनाई थी साइबर सेल की मदद से, जल्दी ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर लिया। युवक को हिरासत में लेकर युवक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। परिजनों से रुपए ऐंठने के लिए एक युवक ने अपने भाई दोस्त के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की रची साजिश। परिजन से रुपए ऐंठने के लिए एक युवक ने अपने ही अपहरण की साजिश रच ली। इसमें उसके भाई दोस्त भागीदार बने, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। डीआईजी नवनीत भसीन ने तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय की और युवक को 3 घंटे के अंदर बरामद कर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाने के सलैया मोड़ की बताई गई है। रोहित कुशवाहा उम्र 21 साल निवासी रौरा थाना बैकुंठपुर का रहने वाला था। उसने अपने भाई दोस्तों के साथ मिलकर अपने अपहरण की साजिश रच डाली। उसके दोस्त ने मंगलवार की शाम डायल 100 में जानकारी दी। वह रोहित कुशवाहा के साथ रीवा दूध बेचने पहुंच जा रहा था। सलैया मोड़ के पास काले रंग की कार में सवार होकर 4-5 लोग आए और मारपीट कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए। उसके कुछ देर बाद ही परिजनों को मोबाइल फोन पर अपहरणकर्ता ने 50,000 रुपये की फिरौती मांगी। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम सक्रिय हुई। एसपी नवनीत भसीन ने थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीमों का गठित किया। साइबर सेल को भी उसका पता लगाने के लिए कहा। पुलिस ने हर संभावित ठिकानों में उसकी तलाश की। 3 घंटे बाद युवक को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। युवक के मिलने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली। अब उससे पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी जुटा रही है। अपहरण की सूचना पुलिस को देने के बाद वह दूसरे वाहन से उमरी मोड़ पहुंचा, जहां उसने फोन करके एक रिश्तेदार को बुलाया। रिश्तेदार के साथ वह उमरी मोड़ में छिपकर बैठा था। परिजनों को फिरौती के लिए फोन भी उसने खुद ही आवाज बदलकर किया था। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। युवक को रुपए की आवश्यकता थी। परिजनों से रुपए निकालने के लिए उसने अपहरण की साजिश रची। एक टीवी चैनल में उसने इस तरह की घटना देखी थी। उसी तरह उसने दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची, लेकिन पुलिस के सामने उसकी चालाकी अधिक देर तक न टिक पाई। जानकारी देते हुए डीआईजी रीवा नवनीत भसीन ने बताया, एक युवक के अपहरण की सूचना मिली थी। तत्काल टीम गठित कर उसकी तलाश में लगाया गया। युवक उमरी मोड़ के पास सकुशल बरामद हो गया है। उसने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। परिजनों से 50,000 रुपये फिरौती के रूप में मांगे थे। पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है। युवक से बातचीत की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। आखिर उसने इस तरीके का काम क्यों किया? क्या उसे किसी ने परेशान किया था? जो भी तथ्य हैं उसको निकालने के बाद आगे की हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा कह रहे हैं डीआईजी रीवा नवनीत भसीन। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। शाम को कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त हुई किडनैपिंग की। जब उसका परीक्षण करने के लिए 3-4 थाना प्रभारियों ने एक्टिवली काम शुरू किया, साइबर सेल ने उनको कोऑपरेट किया और उस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी शीघ्रता से काम करते हुए ये आइडेंटिफाइड किया कि वो घटना मूलतः किडनैपिंग की ना होकर दो भाइयों द्वारा एक प्लान किया हुआ प्रयास था, जिसमें उनके रीज़न अभी क्लियर नहीं है, उनको किस कारण से पैसे की आवश्यकता थी, उन लोगों ने इस प्रकार का क्यों अभी प्लान किया तो भी उनसे पूछताछ की गई है और उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, परंतु वो घटना सत्य नहीं निकली और उनके द्वारा किया गया पूरा एक प्लान प्रकट हुआ, जिसको काफ़ी तेजी से जो हमारे आसपास के थानों की टीम ने ट्रैक कर लिया। सर ये अभी ये साजिश रची गई थी, दोनों भाई ने मिलकर रची कि एक ही अपनी अपहरण? जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी उन्होंने जो पूछताछ हुई है उसमें एक अपना पक्ष रखा है और उसमें कितनी सच्चाई है जानने के लिए अभी क्रॉस चेक किया जा रहा है, परंतु ये तो क्लियर हो गया है कि कोई किडनैपिंग की घटना ऐसी नहीं।